जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में हमने देखा दिया चक्रवर्ती ने एक ऐसा भड़काऊ इंटरव्यू दिया है जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस काफ़ी भड़क गए हैं। और भड़के भी क्यों ना, क्योंकि इस इंटरव्यू में दिया चक्रवर्ती अपने आप को दोषी नहीं है इस बात को लेकर पूरी तरीके से जद्दोजहद करती हुई दिखाई दी। कुछ ऐसी बातें की जिसकी वजह से वो अपने आप को ये साबित कर सके कि उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन दोस्तों, सच किसी से नहीं छुपता और सच सामने आ ही जाता है। आप सभी को बता दें कि बिहार पुलिस के प्रमुख की ओर से हमने देखा था एक समय पे इंटरव्यू एक ऐसा दिया था उन्होंने, जब सीबीआई की जांच के आदेश मिले थे तो उन्होंने रिया चक्रवर्ती की औकात संबंधित कुछ बातें कही थी। विवादित कमेंट के करीब ने एक हफ्ते बाद रिया चक्रवर्ती ने बिना किसी सबूत के उन आरोप पर लगाने वाले पर जमकर निशाना साधा है। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत के सीबीआई को सौंपने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले वाले दिन बिहार पुलिस के प्रमुख गुप्तेश्वर पांडे ने कहा था कि रिया चक्रवर्ती की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कमेंट करने की औकात नहीं है। लेकिन मीडिया लीडिंग वेबसाइट से इंटरव्यू के दौरान दिया ने कहा है कि मेरी औकात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत, जिसे हर कोई प्यार करता था, उसने मुझे प्यार किया था। यानी कि रिया चक्रवर्ती अपनी औकात बता रही थी। तो रिया ने कहा कि केवल इसलिए कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी और कम सफल थी, कम सक्सेसफुल थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैसे हथियाना चाहती थी। बंगाली लड़कियाँ काला जादू जानती हैं, उसकी औकात है। हमेशा ही गर्लफ्रेंड पर बहू पर आरोप मढ़ा जाता है। मुझे लगता है कि हम इससे आगे निकल चुके हैं। रिया ने बातचीत में खुलासा किया कि सुशांत अपने डिप्रेशन की समस्या को लेकर परिवार के टच में था। सुशांत के परिवार ने रिया ने कहा कि मुझे और मेरे परिवार को तबाह करने की कोशिश मत करिए। केस को लेकर इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने कहा कि मैं खुद चाहती हूँ कि सच सामने आए, लेकिन मुझे निशाना बनाकर नहीं, किसी और को निशाना बनाइए जो इस केस का असली दोषी है। सुशांत की बहन नीतू के बारे में कोई क्यों नहीं बोल रहा? यदि वह उसे हफ्ते अस्वस्थ था, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत एक हफ्ते से बीमार था, तो नीतू सिंह उनको 13 जून को घर छोड़ के क्यों गई थी? ऐसे में रिया चक्रवर्ती ने सवाल खड़ा कर दिया है उनकी बहन पर। लेकिन रिया चक्रवर्ती पर आरोप भी अब भी लग रहे हैं और उनको दोषी अब भी माना जा रहा है। भले से उन्होंने इंटरव्यू देकर अपने आप को दोषी नहीं है यह साबित करने की पूरी कोशिश की है। आपकी क्या राय है दोस्तों, कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।